तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक नए ज़िले की रिपोर्ट लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, कमेंट आ रहे हैं कि उनके ज़िले में क्या स्थिति है। तो फाइनली इसके पहले मैंने आपको वैशाली ज़िला, बक्सर ज़िला और एक आध दो और ज़िलों का अपडेट बताया हुआ है कि वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। अब औरंगाबाद ज़िले से भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। आप अपने ज़िले का नाम कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए भी अपडेट लाने की कोशिश करूंगा कि आपके ज़िले में गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए प्रक्रिया कब से शुरू होगी। लिखा गया है कि औरंगाबाद ज़िले में जो है 2746 आंगनबाड़ी केंद्र है और हर एक केंद्र पर 2 गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। जी हाँ, डबल बॉटल सिलेंडर का कनेक्शन आपके केंद्र पर दिया जाएगा। शीर्षक है कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे धुएं से मुक्त, गैस पर बनेगा खाना। अब देखिए क्या लिखा गया है, औरंगाबाद ज़िले की खबर है। लकड़ी और कोयले से अभी तक खाना बनता था लेकिन नए साल में धुएं और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। अब LPG गैस पर बच्चों के लिए भोजन पकाया जाएगा, इसकी शुरुआत कर दी गई है। नए साल में नौनिहालों गर्म और ताज़ा पोषाहार से भरपूर खिचड़ी गैस चूल्हे में बनाकर परोसा जाएगा। इससे संबंधित लोकल डीलर से ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। जल्द ही गैस सिलेंडर को आंगनबाड़ी केंद्र के उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए प्रति केंद्र पर, जी हाँ, एक केंद्र पर जो है 2 सिलेंडर का कनेक्शन होगा और साथ में आपको गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि अभी तक कोयला या फिर लकड़ी से बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता था, इससे धुआं होता था और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। अब अच्छा भोजन और जल्दी मिल पाएगा और साफ सुथरा जो है ये ईंधन का उपयोग हो पाएगा। ज़िले में औरंगाबाद ज़िले की बात करूँ तो 11 परियोजना में कुल 2746 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिस पर केंद्रों पर जो है रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए 1,78,49,000 रुपये की राशि खर्च की जाएगी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को गैस सिलेंडर खरीदारी के लिए 6,500 रुपये दिए जाने हैं। विभाग को से सुविधा के लिए अनुसार सेविका के जो आंगनबाड़ी केंद्र से नज़दीक का जो एजेंसी होगा वहाँ से कनेक्शन लेना होगा ताकि आंगनबाड़ी सिलेंडर में उठाव करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं आए। गैस कनेक्शन आंगनबाड़ी विकास समिति के नाम से दिया जाएगा। प्रत्येक महीने रिफिलिंग के लिए विभाग द्वारा पैसा दिया जाएगा। अभी तक एक केंद्र को प्रतिमा 650 रुपये जलावन के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे करके सभी जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये जानकारी आज के लिए थी, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।